वंदन कर लिया तो हमारे छोटे छोटे से बच्चे जो है वो भी आते हैं अपनी कुछ बात कहने के लिए और अपनी कुछ बात को रखने के लिए मंच पर, वो भी कुछ चाहते हैं कहना। तो एक लय के साथ इनकी हौसला अफजाई कीजिए। सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, सर हमने बनाया ये। अच्छा जी, हमारा मॉडल नाम स्वाति है। हमारे मॉडल का नाम है पकौड़े की यात्रा, प्लेट से पकाने तक। खाना तो हर जीव खाता है, उसी से हमें काम करने की शक्ति मिलती है। सबका खाना अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार होता है, वैसे ही होती है उसकी पाचन प्रणाली। घोड़ा घास खाता है, मछली पकौड़े खाती है, शेर मांस खाता है, और हम हलवा पूरी जलेबी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यमुना विहार सीवन के विद्यालय में 188 स्कूलों के छात्रों ने अपने विज्ञान मॉडल लेकर आए हैं, और छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के अपने विज्ञान से संबंधित मॉडल अपने हाथों से स्वयं बनाए हैं, और उन मॉडल्स को हमारे विभिन्न कक्षाओं में प्रदर्शित किया हुआ है। आपने विभिन्न मॉडल को देखा भी होगा। छात्र पूरे वर्ष इसके लिए मेहनत करते हैं अपने अध्यापकों के साथ में, और अपने उस कौशल का यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने मेहनत की। और ये हम इन बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने विज्ञान के कौशलों का विकास ऐसे ही करते रहें, निरंतर प्रगति के पथ पर आप आगे बढ़ते रहें। स्कूल में एंट्री करने के बाद और माहौल देखने के बाद में लगा ही नहीं कि ये पब्लिक स्कूल है या प्राइवेट। हाँ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमें भारत चैनल के माध्यम से हमारे निगम के स्कूलों को इतना बढ़ा चढ़ाकर इतना मान सम्मान मिल रहा है। तो उसके लिए हमारे बच्चों, हमारे शिक्षकों दोनों की भरपूर मेहनत है, जिन्होंने अपने पिछले कुछ समय देकर विद्यालय को इस प्रकार निर्मित कर दिया कि विद्यालय में भवन में प्रवेश करने के बाद आपने पाया कि विभिन्न स्कूलों ने स्कूल को इस तरह के सजाया है कि प्राइवेट स्कूल भी इसके सामने फेल हैं। यहाँ 3 दिन तक ये चलने वाला? हाँ जी, ये विज्ञान मेला 3 दिनों तक चलेगा, और 3 दिनों तक इसमें हमारे 188 स्कूलों के सभी प्रतिभागी बच्चे इन विज्ञान मेलों के जो प्रदर्शनी है इनको देखने के लिए आएंगे और अपना समय निकाल कर इनको अनुभव करेंगे। अगली बार वो छोटे बच्चे इन बच्चों की जगह अपना स्थान लेंगे और विज्ञान मॉडल में अपने मॉडल बनाकर लाएंगे। टीचर्स को सम्मानित करने का भी प्रोग्राम है? हाँ, आज हमारे यहाँ त्रिदिवसीय विज्ञान मेले में प्रथम दिवस पर ये होता है कि जो पूरे साल वर्ष भर में शिक्षक मेहनत करते हैं उन शिक्षकों में से बेस्ट 24 शिक्षकों को आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। तो उसमें हमारे निगम की महापौर, निगम के बड़े अधिकारी, शिक्षा समिति सभी लोग मौजूद रहेंगे, और उनकी गरिमामय उपस्थिति में हमारे शिक्षकों को एक सम्मान मिलेगा। ये हमारे शिक्षकों के लिए गर्व की बात है
कि निगम हमारे शिक्षकों को सम्मान दे रहा है, उनकी मेहनत को सलाम कर रहा है, और हम अपने शिक्षकों को जिनको ये अवार्ड मिल रहा है उनको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी मेहनत सफल हुई, निगम ने आपकी मेहनत को पहचाना। इसके साथ साथ कुछ अध्यापक ऐसे भी हैं जो इस अवार्ड से वंचित रह गए हैं, उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप अगले वर्ष प्रयत्न करना, क्योंकि संख्या बहुत अत्यधिक है, अवार्ड सीमित मात्रा में है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में सभी अध्यापकों को उनकी मेहनत के लिए सम्मान मिलता रहेगा।